हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। तो आज मैं आपको जिम कार्बेट नेशनल पार्क के बारे में बताऊंगी। ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और 1936 में लुप्त प्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। ये पार्क उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के रामनगर के पास स्थित है, आप इस मैप में देख सकते हैं। इस पार्क का नाम जिम कार्बेट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिम कार्बेट एक शिकारी और संरक्षक थे। इन्होंने उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में अनेक आदमखोर बाघों को मारा था, जिनमें रुद्रप्रयाग का आदमखोर तेंदुआ भी शामिल था। चंपावत में 400 से अधिक लोगों का शिकार करने वाली आदमखोर बाघिन से भी जिम कॉर्बेट ने ही लोगों को छुटकारा दिलाया था, मगर बाद में उनके विचार पलटने से और बाघों की घटती संख्या देखकर इन्होंने बाघों के संरक्षण के लिए कई कार्य किए, इसीलिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा। बाघ परियोजना पहल के तहत आने वाला ये पहला पार्क था। जिम कॉर्बेट पार्क रामगंगा की पातली दून घाटी में लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है, जिसके अंतर्गत लगभग 821 वर्ग किलोमीटर तक व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र है। पार्क में तराई क्षेत्र, उप हिमालयन बेल्ट की भौगोलिक और पारिस्थितिकी विशेषताएं हैं। यह एक इको टूरिज्म गंतव्य भी है और यहाँ पौधों की लगभग 400 प्रजातियां और जीवों की एक विविधता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लगभग 520 वर्ग किलोमीटर पहाड़ी, नदी के बेल्ट, दलदलीय गड्ढे, घास के मैदान और एक बड़ी झील शामिल है। इसकी ऊंचाई लगभग 1300 से 4000 फीट तक है। यहाँ शीतकालीन रातें ठंडी होती हैं, लेकिन दिन में धूप और गर्मी होती है। यहाँ जुलाई से सितंबर तक बारिश होती है। घने नम पर्णपाती वन में मुख्य रूप से साल वृक्ष, पीपल के वृक्ष, रोहिणी और आम के पेड़ होते हैं। जंगल पार्क का लगभग 73% हिस्सा घेरते हैं। इस क्षेत्र में 10% घास के मैदान हैं। यहाँ लगभग 1100 पेड़ की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, 50 स्तनधारियों की प्रजातियाँ, 570 पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और 25 सरीसृप प्रजातियाँ हैं। इस पार्क में शेर, हाथी, भालू, बाघ, सुअर, हिरण, चीतल, सांभर, काकड़, नीलगाय, घूरल और चीता आदि वन्य प्राणी अधिक संख्या में मिलते हैं। इसी तरह इस वन में अजगर तथा सांप के भी कई प्रकार पाए जाते हैं। जहां इस वन्य पशु विहार में अनेक प्रकार के भयानक जंतु पाए जाते हैं। इस पार्क में लगभग 600 से अधिक रंग बिरंगी पक्षियों की जातियाँ भी दिखाई देती हैं। यह देश का एक ऐसा अभयारण्य है जिसमें वन्य जंतुओं की अनेक जातियां प्रजातियों के साथ पक्षियों की भी अधिकता पाई जाती है। आज विश्व का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां के पर्यटन इस पार्क को देखने नहीं आते हैं। तो ये थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की पूरी जानकारी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।